हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छी खबर के बारे में बात कर लेते हैं, जो सभी मित्रों के लिए है, जो यूजीसी नेट पास हैं या हरियाणा का सेट पास हैं या जेआरएफ हैं, पीएचडी जिन्होंने कंप्लीट किया है, पीएचडी 2009 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जिन्होंने कंप्लीट किया है, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हरियाणा की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ से वैकेंसी आएगी। और ये कैबिनेट का निर्णय है जो हरियाणा का 2592 टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, 2592। तो अलग अलग विभागों में अलग अलग वैकेंसी है, अभी केवल ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। ठीक, तो इसमें बताया गया ये कि हरियाणा सरकार ने जो डिग्री कॉलेजों की वैकेंसी है, अभी जल्द ही आपका ये जून में एग्ज़ाम हुआ था और जुलाई अगस्त तक वहाँ का फाइनल रिजल्ट आया था। ज्योग्राफी की बात करें या हिस्ट्री की, तो कुछ सब्जेक्ट का पहले एग्ज़ाम हो गया था, हिस्ट्री वगैरह का बाद में हुआ है, ये जुलाई अगस्त के आसपास हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक, और यहाँ पे देखिए कि 2592 जो पद हैं ये अलग अलग विभागों में रहेंगे, अलग अलग विषयों के साथ। ठीक, इतनी वैकेंसी पहली बार देखी गई है या सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक, ये तो इसलिए आप सभी लोग लग जाइए। और इसमें सब्जेक्ट जो होता है आपका जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहता है। ठीक, 157 यहाँ पे राजकीय महाविद्यालय हैं जिनमें 1.9 लाख विद्यार्थी यानी कि लगभग 1,90,000 विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ रहे हैं और 4,975 सहायक प्रोफेसर के पद यहाँ पे स्वीकृत हैं। ठीक, 33 अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उस पर प्रोफेसर्स की मंजूरी, असिस्टेंट प्रोफेसर की नए पदों की स्वीकृति मिल गई है। 7,567 हो जाएगी टोटल, जो इसमें जैसे 2592 जब पद 2,592 भरे जाएंगे तो ठीक है, अच्छी खासी इसमें सैलरी होती है, तो इसलिए आप लोग लग जाइए। और इसमें जो हरियाणा गवर्नमेंट है इसमें जो लोक सेवा आयोग वहाँ का है काफ़ी तत्परता के साथ रिजल्ट वगैरह जारी किया था। अभी जो जून में एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें यहाँ तक कि उन्होंने एग्ज़ाम के शाम को ही ऑलमोस्ट 7-8 बजे तक ही उन्होंने आंसर की, ऑफिशियल वाली आंसर की जारी कर दी थी। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और जब इसका पूरा डिटेल आएगा तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके पहले भी हमने जो पिछला वाला जो वीडियो था, आप जाएंगे इसमें प्लेलिस्ट में है, मई जून के आसपास हमने वीडियो एक अपलोड किया था जिसमें इसका पूरा सिलेबस का डिटेल और वहाँ का जो प्रोसेस है सिलेक्शन का उसको हमने बताया था वहाँ पे। यहाँ पे इंटरव्यू बहुत कम मार्क्स का होता है, लगभग 13 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, मेरिट भी इसमें इंक्लूड की जाती है। ठीक, एक वीडियो मैं बना दूंगा इसके लिए, उसमें प्रॉपर आपको बता दूंगा कैसे मेरिट बनती है, कितने मार्क्स का इंटरव्यू होता है और जो आपका अलग जैसे स्पोर्ट कोटा के लोगों को भी यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं, पीएचडी वालों को भी मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज़ें बता दी जाएँ।